Hello students, welcome to getlectures.com. This is the fourth lecture of properties of fluid. In this lecture, we will cover the concept of viscosity. Let's see what is viscosity. Viscosity, the definition of viscosity is, it is the internal resistance offered by one layer of fluid to the other layer. Means kya hai? Internal resistance ki baat hum kar rahe hai. Offered by one layer of fluid to the other layer. सिंपल सी बात है, कोई भी फ्लूड रियल लाइफ में, कोई भी जितने फ्लूड्स आप देखते हो, वो टोटल हर एक फ्लूड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है. विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड. सिंपल सी बात है कि अगर आप अगर सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं. एक फिक्स प्लेट लिया, एक मूविंग प्लेट लिया. इसमें अगर आप एक रेक्टेंगुलर फ्लूड एलिमेंट अगर लेते हो, एक एलिमेंट ले लिया, फ्लूड एलिमेंट हमने ले लिया, एक लाइन एलिमेंट ले लिया फ्लूड का, दिस इज द लाइन एलिमेंट. इस पर हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया F. दिस इज मूविंग प्लेट एंड दिस इज फिक्स्ड प्लेट. ओके, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू मैं क्या समझाना चाहता हूं, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लो फील्ड ऑफ फ्लूड. वेलोसिटी प्रोफाइल आप कह सकते हैं और फ्लो फील्ड कह सकते हैं. जो चीजें आप लोग आगे और देखेंगे कि वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है. तो अगर आप देखो तो कोई भी मॉलिक्यूल, अगर आप सपोज कर लो ये जो फ्लूड एलिमेंट है, इसे आप एक स्टिक मान लो, स्टिक दोनों साइड से फिक्स्ड है. अगर यहां से हमने फोर्स लगाया तो ये स्टिक इसी तरह से कुछ मूव करेगी आगे की डायरेक्शन में. तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहां के मॉलिक्यूल्स इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहां के मॉलिक्यूल्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहां के मॉलिक्यूल्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां के मॉलिक्यूल्स केवल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां का मॉलिक्यूल जीरो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ड्यू टू, यहां पर तो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन आप कह सकते हो, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन आप क्या कह सकते हो, यहां पर वो जीरो वेलोसिटी है. फिर एक लेयर बाय लेयर ये फ्लो कर रही है फ्लूड. तो अगर आप सपोज करो कि एक लेयर ये रहा, अगर आप इसे एक रेक्टेंगुलर लेयर, रेक्टेंगुलर एलिमेंट की बात करते हो, ठीक है, अगर मैं लेयर बाय लेयर की बात करता हूं, एक लेयर ये रहा, एक लेयर ये रहा, तो ये जो अबव लेयर है इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपर लेयर. दिस इज अपर लेयर ऑफ फ्लूड एंड दिस इज लोअर लेयर ऑफ फ्लूड, लोअर लेयर ऑफ फ्लूड. तो आप देखो ये जो फ्लूड का जो लेयर है, ये जो फ्लूड का लेयर है, ये क्या ट्राई करेगा, ये इसे ड्रैग करके आगे के डायरेक्शन में ले जाने के लिए ट्राई करेगा. ये क्या करेगा ट्राई, कि इसे ये इसे ड्रैग करे. तो इस पर ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दिस फोर्स इज एफ. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो नीचे वाला लेयर भी अपर लेयर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. सिंपल सी बात है, अपर लेयर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू लोअर लेयर. आप यहां पर भी देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू दिस लेयर, और ये लेयर उससे भी ज्यादा, ये लेयर उससे भी ज्यादा, ये लेयर उससे भी ज्यादा. तो ऊपर अपर लेयर जो होगा वो लोअर लेयर को ट्राई करेगा ड्रैग करके आगे ले जाना, लेकिन उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर भी एक्ट हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. उसी की एनालिसिस यहां पर हम कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी. तो मैंने बोला कि सॉलिड में फ्रिक्शन होता है और फ्लूड फ्रिक्शन किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण होती है. तो उसकी एनालिसिस यहां पर करते हैं. दो, एक मूविंग प्लेट लिया, एक फिक्स प्लेट लिया, एक फ्लूड एलिमेंट माना. दिस डिस्टेंस इज वाई, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कैपिटल वाई, और दो लेयर के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया दिस इज डी वाई. इफ वी एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज यू, देन द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर विल यू प्लस डेल यू और डी यू. ओके, तो इन नेक्स्ट स्लाइड यहां पर देखते हैं, दिस इज लोअर लेयर, दिस इज अपर लेयर. इसकी वेलोसिटी कितनी है, द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज यू, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस लेयर की, यू प्लस डी यू. सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ द लेयर इज यू एंड यू प्लस डी यू. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है फ्लूड में. फ्लो किस कारण से होती है, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन.
ओके okay, तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था जब फ्लूइड के डेफिनेशन की एनालिसिस की थी, हमने वहां पर देखा था, तो वहां पर देखा था कि हम सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फ्लूइड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डीटी टाइम में, डीटी टाइम में ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज यू इंटू डीटी, दिस इज यू इंटू डीटी डिस्टेंस एंड दिस इज डीवाई, दिस इज डीवाई। मैंने इसे मैग्निफाई कर दिया, दिस लेयर एंड दिस लेयर को मैंने यहां पर लिया है, दिस इज डी वाई एंड दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज डी थीटा, दिस इज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड दिस डिस्टेंस, दिस एक्सेस डिस्टेंस, एक्सेस डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी ड्यू इन टाइम डी टी, एक्सेस डिस्टेंस due to velocity due in time dt। तो ये distance कितना हो जाएगा, du into dt and this entire distance, this distance is equal to what, u into dt, okay, this distance is u into dt and this excess distance is equal to du into dt। अब यहां पर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यहां पर, दिस डिस्टेंस इज dy, तो अगर मैं tan d थीटा की बात करूं, tan d थीटा इज इक्वल टू व्हाट, du इनटू dt ओवर dy, परपेंडिकुलर अपन बेस, ओके, d थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल एंड tan d theta is similar to d theta, लिख सकते हैं, then d theta is equal to du into dt over dy, then d theta over dt is equal to du over dy, du over dy। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, d थीटा ओवर dt इज इक्वल टू du ओवर dy। मैं इस रिलेशन को एनालाइज अब करता हूं, d थीटा अपन dt क्या है, जनरली एंगुलर डिफॉर्मेशन ड्यू टू सियर फोर्स, ड्यू टू सियर फोर्स जो डिफॉर्मेशन हो रही है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रही है, द रेट ऑफ सियर स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ सियर स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। जनरली हमने जो एनालाइज किया ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पर किया कि वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वाई का फंक्शन है, द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, मींस कि जैसे जैसे y इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी x डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रही है, वन डायमेंशनल फ्लो है। तो हमने तो यहां पर लिया था कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिया था, बट जनरली ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता है, ये क्या होती है अपनी, दिस इज रेट ऑफ सियर स्ट्रेन। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के थ्रू हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये जनरल होता क्या है, जनरल कंसेप्ट में अगर आप देखो तो दिस इज द रेट ऑफ सियर स्ट्रेन ड्यू टू सियर स्ट्रेन। ओके, अब आगे आते हैं, d theta upon dt is equal to du over dy। अगर मैं कहूं कि for given plate area shear force is large, tau, the shear stress is large, if tau is large, d theta upon dt is large। अगर मैंने प्लेट एरिया जो है अपना कांस्टेंट हो गया, अगर प्लेट का एरिया कांस्टेंट हो गया और जैसे जैसे सियर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर अगर मैं सियर फोर्स को और ज्यादा वैल्यू कर दूं, इसे इंक्रीज करते जाऊं, तो डिफॉर्मेशन क्या होगी, यहां से अगर सियर फोर्स एरिया को कांस्टेंट कर दिया, सियर फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सियर स्ट्रेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज एरिया इज कॉन्स्टेंट, टाउ इज इक्वल टू वॉट, टाउ इज इक्वल टू एफ अपन ए, एफ इज अ सियर फोर्स, सियर फोर्स
एरिया को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, शियर फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो टाउ अपनी क्या हो रही है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, अगर एफ इंक्रीज हो रहा है तो टाउ इंक्रीज हो रहा है, एंड टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपन डी टी। जैसे जैसे टाउ इंक्रीज होगी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी डिक्रीज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन विल डिक्रीज, देन वी कैन से दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा ओवर डी टी। ओके, देन द प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा ओवर डी टी। ओके, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। ओके, देखते हैं, इट मीन्स टाउ अपन डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू म्यू, टाउ अपन डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू म्यू, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड coefficient of viscosity or dynamic viscosity। ओके, अगर आप देखो तो tau versus g theta अपन dt ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूटोनियन फ्लूड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में, तो कैसे वो वहां पर वेरिएशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे इसके ग्राफ को। कुछ चीजें यहां पर हम देखते हैं, म्यू के सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखो हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर टू फ्लूड, फ्लूड ए एंड दिस इज फ्लूड बी। ओके, दिस इज फिक्स्ड प्लेट, this is also fixed plate, fluid A is flowing, fluid B हमने दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया, दोनों प्लेट का एरिया कांस्टेंट बराबर मान के चलते हैं, दोनों पर एफ फोर्स लगाया, ये फ्लूड डी थीटा यहां पर और ये डी थीटा यहां पर। अगर देखो तो इसमें डी थीटा अपन डी टी क्या है, डी थीटा अपन डी टी द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मैं वेलोसिटी प्रोफाइल दिखा रहा हूं बट ये जनरली शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होती है, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज लार्ज देन दिस, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी थीटा अपन डी टी इज स्मॉल। इसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट फ्लूड्स हमने लिया है, बोथ फ्लूड्स आर डिफरेंट, ओके, फोर्सेज आर सेम, तो डी थीटा अपन डी टी इसमें जो चीजें दिख रही है, इसका डी थीटा अपन डी टी एज कंपेयर टू दिस, दिस डी थीटा अपन डी टी इज लार्ज एंड दिस डी थीटा अपन डी टी इज स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूड, द रेट ऑफ सियर डिफॉर्मेशन इज लार्जर देन दिस। ओके, तो इसमें अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है यानी कि इसका फ्लो क्या है, इजी टू फ्लो है। अगर आप इसे कहो मीन्स इजी फ्लो और इसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन सेम टाइम इंटरवल में सेम फोर्स के एप्लीकेशन पर इसका डिफॉर्मेशन कम है, इसका डिफॉर्मेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मींस डिफिकल्ट फ्लो इज डिफिकल्ट। अब फ्लो इज डिफिकल्ट यानी कि इसमें अगर आप डायरेक्ट देखो डी थीटा अपन डी टी क्या हो रहा है, अगर आपने एरिया कांस्टेंट कर दिया, फोर्स कांस्टेंट कर दिया, तो यहां पर अगर आप देखो टाउ को क्या लिख सकते हो, एफ अपन ए सिंपल, एंड दिस इज डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू म्यू। तो एफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गए। अब डी थीटा अपन डी टी जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा, कम होगा, और ये जिसका कम होगा उसका म्यू ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहां पर आप क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, म्यू इज लेस एंड इसमें आप क्या कह सकते हैं, म्यू इज लार्ज। इट मींस दिस म्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, फ्लूड का जो फ्लो हो रहा है, डिफॉर्मेशन, मैं डिफॉर्मेशन की बार बार बात कर रहा हूं, हमने
इक्वल फोर्स लगाया, टू डिफरेंट फ्लूड्स लिए, इक्वल प्लेट एरिया रखा, फोर्स और एरिया कांस्टेंट हो गया। अब दोनों फ्लूड को हमने देखा इक्वल टाइम इंटरवल में, सेम टाइम पे हमने देखा कि एक फ्लूड में ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एक फ्लूड का अगर वेलोसिटी प्रोफाइल आप देखो तो इस तरह का बन रहा है, एक का ऐसा बन रहा है, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि इसमें डी थीटा अपॉन डी टी लार्ज है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लो इजी है और इसमें फ्लो डिफिकल्ट है, और फ्लो डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड, एंड दिस इज वेरी, दिस प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड। तो आप यहां पर कह सकते हैं म्यू रिप्रेजेंट्स internal resistance to the flow, and this is known as coefficient of viscosity or absolute viscosity or dynamic viscosity। ओके, आपने देखा यहां पर टाउ, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा ओवर डी टी। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू व्हाट, डी यू ओवर डी वाई, जो आपने स्टार्टिंग में देखा d थीटा by dt is equal to du over dy। तो from first equation this is tau is equal to mu du over dy। Okay, here we can say that, note one thing, where d थीटा over dt is equal to rate of angular deformation, rate of angular deformation or rate of shear strain, and du over dy is called velocity gradient। Okay, and this formula is very important, tau is equal to mu du over dy। आने वाले lectures में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे numericals भी करेंगे, लेकिन जब हम Newtonian और non-Newtonian fluids, जब next lecture में हम लोग देखेंगे जो types of fluid, तो types of fluid इसी के based on हम लोग देखेंगे, total type of fluid। Okay, thanks।